फ्लाइट इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड। मिनर के एंट्रेंस फ्रेंड्स, यहां से आपको एंट्री मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं और यहां आपको 35 रुपीस टिकट लगेगा पर हेड। तो चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग अभी कुतुब मीनार आ चुके हैं और ये अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। इधर कुतुब असद सर हैं और ढेर सारे फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं, टूरिस्ट सर। सो विल स्टार्ट आवर जर्नी नाउ। आई विल मूव फॉरवर्ड टू कुतुब मीनार एंड आई लाइक टू आस्क यू, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड हियर? सुपर एक्साइटेड। Yes. What about you, sir? Are you excited? Yes, yes. I'm very much excited. Yes. I have already visited once here. It is your second time. It is my second time. That's great, sir. Yes, yes, yes. यहाँ आपको यहाँ का मैप मिल जाएगा, यहाँ कैसे टूर करना है। ओके, हम अभी कुतुब मीनार के इनसाइड आ गए हैं और आप देख रहे हैं ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? ये इंडिया का टूरिस्ट प्लेस है, पीपल कम टू विजिट एंड टुडे वी सो सो मेनी फॉरेनर्स हैव कम एंड इट्स रियली नाइस टू सी देम टुगेदर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये मेरा सेकेंड टाइम है बाय द वे। इट्स लुकिंग लाइक दे हैव सिंपली प्लेस्ड। वन मोर फ्लाइट इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास माइक नहीं है, आपको मेरा वॉइस ऑडिबल हो रहा है कि नहीं बताइए प्लीज़। क्योंकि जब मैं अंदर आया तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि माइक अलाउड नहीं है, और मैं यहाँ कॉलर में लगा के आ रहा था तो एक जो इंचार्ज है यहाँ का उम्र बोले कि भाई माइक अलाउ नहीं है, आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं जाके सबमिट कर दिया हूँ, तो ऑडियो मिल रहा है कि नहीं ठीक से वो बताइए, और अगर नहीं मिल रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि माइक अलाउड नहीं है और इतना तेज़ भी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है। और आज सुबह हम लोग के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए यहाँ के मेट्रो में जब आ रहे थे तो हम एक्चुअली मास्क था हमारे पास लेकिन लगाने भूल गए थे और हम लोग को 500 रुपीस फाइन लग गया। तो सुबह सुबह थोड़ा मूड ख़राब हो गया था आज, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग का ही गलती था कि मास्क होते हुए भी हम नहीं पहने थे। इसी सो मेनी पीपल हैव कम टुडे टू विजिट कुतुब मीनार। हम अभी और अंदर जा रहे हैं और आगे क्या क्या आप लोग को दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में और एंजॉय करिए यहाँ का सीन। वाह, सो नाइस, सो गुड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, सो इट्स लुक्स रियली वंडरफुल। फॉरेनर्स आर सो कमिंग हियर। इट्स लुकिंग डार्क बिकॉज ऑफ द सनलाइट। कितना बड़ा एरिया है सर, और देखिए यहाँ का बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन। आई रियली वंडर हाउ दे हैव डन दिस वन इयर्स बैक, यू सी कितना हार्डवर्क मेहनत लगा होगा इसको बनाने के लिए। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी कैसे बना पाए इतना भारी रकम चीज़ को ऊपर उठा उठा के रखे हैं, और इतना ऊँचाई तक कैसे चढ़ पा रहे थे पता नहीं। तो आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसे फील हो रहा है देख के। आपको बहुत कोई देखे होंगे और जो कोई नहीं देखे हैं उनको आने का मन हो रहा होगा यहाँ। फ्रेंड्स, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ का जो एरिया है पूरा दिखा पाऊँ। इतना सारा पत्थर लाते कहाँ से थे पहले, बट एनी वे इट्स वंडरफुल एंड रियली अमेजिंग टू सी द आर्किटेक्चर टेक्निक दैट वॉज
implemented or used earlier to make this huge building with all stones. यहाँ का ट्रिक का स्ट्रक्चर देख लीजिए, लुकिंग नाइस, वाओ सो ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल टुडे. फ्रेंड्स मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का नज़ारा जो है ना आपको पूरा दिखा पाऊँ. अभी हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ टिकट चेकिंग होगा. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कैसे लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.